व्लॉग बन रहे ये तो अच्छा हो गया है। ठीक है अगले वाले के पास भाई बैलेंस नहीं था भाई, इसने तो हमें गुस्सा दिलवा दिया है और मैं अब क्या करूं कि इनकी एक देखने वालों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, तो अभी टैंकी फुल करवाते हैं, देखते हैं कितने की टैंकी फुल होती है। फुल कर देना, फुल कर देना। अच्छा रेट बता देता है, रेट लाइन क्या रेट है जी? चलो सही ठीक है, हो गया फुल हो गया तो जी। 2500 कर दे, 2500 कर दे, 2200 का फुल हुई थी लेकिन हमने इसको कह दिया कि 2500 का कर दे। यार इतनी लाइट ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा मैंने ऐनक पहनी हुई तभी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है 2500 हो गया, इसे बंद कर देना अच्छे तरीके से। वहाँ से तो हमारी डली नहीं क्योंकि वो डिजिटल मीटर नहीं था, यहाँ पे डिजिटल मीटर है। बेटा पहले पूछ तो ले कितनी हवा भरनी है ही। सोने ओ सोने, छत्ती करनी है जी, छत्ती करनी है। सीन ये है कि हमारे साथ, मैं आपको दोबारा बता दूँ कि 3 गाड़ियाँ जा रही हैं अल्टो, और 3 गाड़ियाँ जो अल्टो जा रही हैं उनमें से यानी कि एक सिविक है, जो सिविक जो हमें गाड़ी वो ज्वाइन करेगी सियालमोट। हमारा जो टूर है अभी इस्लामाबाद का, वो शादी अटेंड करेंगे नेक्स्ट डे, फिर हम यानी कि शादी अटेंड करके 2-3 दिन शादी है, चौथे दिन हमारा मरी का या फिर नथिया गली का। अभी वो यानी कि वहाँ पहुँच कर ही हमने ना फाइनल करना है कि हम किधर जाते हैं। और अभी फ़िलहाल ये हवाएँ भर रहे हैं, हवाएँ भरने के बाद हम मोटरवे पर ये टोबा से चढ़ रहे हैं, जंग से टोबा, टोबा से फिर आगे इस्लामाबाद। तो ये हमारा रूट है आज। अभी हम मोटरवे पहुँच गए हैं, तो ये पीछे एक गाड़ी ये खड़ी हुई है और एक गाड़ी ये खड़ी हुई है, ये लोग अब सारे हम पहुँचेंगे। वो पिछली तीसरी आल्टो भी आ रही है वो भी। तो हाँ भाई कैसे हो? ठीक हो? पहुँच गए? कब पहुँचे हो? कब पहुँचे? 2 मिनट पहले। अच्छा मैं घुस गया था उधर जंग विस्टा के अंदर, और जंग रेजि क्या पाक रेजिडेंशिया कॉलोनी के अंदर, वो मैं सारा अंदर से दिखा के फोटो खींच के पापा को सेंड किए हैं, वो वीडियो भी बनाई है, फिर तो मैंने कहा पापा को दिखा लो। ठीक हो गया, चलो फिर निकले, फिर स्टार्ट करें फिर। चलो हाँ सफ़र स्टार्ट करो। ओके अच्छा एक गाड़ी ये खड़ी हुई है, एक गाड़ी वो आ रही है, 3 गाड़ियाँ हो गई हैं अब। तो क्या कहते हैं अब फिर मोटरवे चढ़ रहे हैं, वो पीछे मोटरवे आप देख रहे हैं, पीछे मोटरवे है। ठीक है फिर चलो, चलो ठीक है चलो चले, चलो जी ठीक हो गया। अब जो चौथी गाड़ी वो हमें सियाल मोड़ पे मिलेगी रेस्ट एरिया पे। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room, and damn what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, our first time, our first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine. Haan ji, abhi hum motorway chadhe hue hain, hame takriban 20 minute ho gaye hain, गोजरा इंटरचेंज हमने क्रॉस कर लिया है, एक गाड़ी हमारे आगे है एक गाड़ी अभी पीछे है हमारे। तो अभी ये तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। वो सामने गाड़ी दिखाना है, वो जा रही है, वो सामने जो सिल्वर कलर की आल्टो जा रही है, एक वो साथ है एक पीछे है। पीछे वालों को मैं अभी थोड़ा रास्ता देता हूँ उन्हें क्रॉस करने के लिए, तो वो भी दिखाते हैं आपको। तो बड़ा ज़बरदस्त स्मूथ 100-110 की स्पीड से जा रहे हैं, टैंकी फुल करवा ली हुई थी और टायर का प्रेशर भी हमने बराबर करवा लिया, 36 पाउंड हवा डलवा ली है। दूसरा ये कि अब बाकी गाड़ियों में भी साथ साथ ही जा रहे हैं। सियाल मोड़ हमने जा कर रुकना है, वहाँ हम सब ने गैदरिंग करनी है इकट्ठे, वहाँ कुछ अगर थोड़ा हल्का फुल्का कोई खाना पीने का मूड हुआ तो ठीक है, नहीं तो बस मिलेंगे और बस वहीं से चल पड़ेंगे। असल में हमने स्टे करना है बेरा, हमने वहाँ का बनाया हुआ है कि वहाँ जा कर खाना या कुछ भी छोटा मोटा यानी खा लेंगे, तो उससे यानी कि ना थोड़ा भूख वगैरह कम हो जाएगी। तकरीबन हम इस्लामाबाद 4 या 5 बजे पहुँचेंगे। ये गाड़ी जा रही है अभी ADW 512 आल्टो। पीछे वालों का भी इंटरव्यू ले लो, ये दोनों चुप करके बैठे हुए, ज़रा इनको भी आवाम को बताओ, ये भी हमारे साथ। हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है भाई?
लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर देख के चले जाते हो और सब्सक्राइब करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। असर साहब आप इनको भी बुलवाओ जरा, ये पीछे बैठे चुप करके जरूर करना है, जरूर करना है। और इनका जो पीछे बैठे इनका भी यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल इनका है असरद, एक कॉल आ गई है, सुन लो, चलता रहे। हेलो, हाँ जी लाहौर वालों कैसे हो, मैं इधर क्या कहते हैं गोजरा, फैसलाबाद तो नहीं, अभी तो मैंने गोजरा क्रॉस किया, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इंटरचेंज। चलो ठीक हो गया, चलो खैर से पहुँचते हैं फिर घंटा एक में। हाँ चलो ओके। अच्छा जी, ये जी सुखी की पहुँच गए हैं, एक गाड़ी सियालकोट पहले ही पहुँच गई है, उधर चनियोट से आना था, और ये लाहौर वाले जो है वो अभी सुखी की पहुँचे हैं, वहाँ चाय शाय पी रहे हैं, वो कह रहे हैं फिर हम आगे सियाल मोड़ आगे निकल आएंगे, जब आप लोग फैसलाबाद क्रॉस करोगे ना हम सुखी की से चल पड़ेंगे, तकरीबन वहाँ से भी आधा घंटा उन्हें लगना है, हमें आधा घंटा हमें भी लग जाना है सियाल मोड़ में, तो यानी कि वो 5 मिनट का एक गैप रहेगा। हाँ जी जी हम आ गए हैं जी, इधर इधर कहाँ गया वो, हाँ वो बंद कर दिए उन्होंने, वो लगता है आगे कर दिया, यही तो है तकरीबन अभी पिछले महीने तो आए थे हम, तब था ये। अच्छा, सही सही, हम पहुंच गए इस्लामाबाद इंटरचेंज पे, ये देखे जी वो सीधा जाती है जी लाहौर, सीधा जाता है लाहौर, तो हम ये मुड़ते हैं जी इस्लामाबाद की तरफ, इस्लामाबाद यहाँ से है लेफ्ट डायरेक्ट मेरा आ जाए। चलो ठीक है, मैं कह देता हूँ। चलो ये हम आ गए हैं जी पिंडी पटिया। चलो ठीक है, बेरा पहुंचे सर। लेने को सियाल मोड़ क्यों नहीं आ रहा, वो पीछे रह गया, हम थोड़ा सा सियाल मोड़ रुके हैं, लेकिन प्लान चेंज हो गया था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बेरा ही रुकते हैं, तो इस वजह से अब हम बेरा ही जा रहे हैं हम, लेकिन सियाल मोड़ फिर भी रुके हैं, क्योंकि हमने कहा हुआ था, और एक तो थोड़ा सा क्या कहते हैं रिफ्रेश भी होना था, तो इस वजह से फिर बाकी सारे कह रहे हैं हम बेरा ही जाएंगे। ये बेल्ट क्यों नहीं लग रही, सीट बेल्ट लग गई है जी, ठीक है जी, और चलें फिर। ओके चले। चलो ठीक है, ओके चलें फिर जी, अपने सफ़र की तरफ रवाना दीवाना हो रहे हैं, रवानगी स्टार्ट, डिपार्चर, हम सियाल मोड़ से, सियाल रेस्ट एरिया से हम डिपार्चर कर रहे हैं बेरा की तरफ। ओके हाँ जी, अभी हमने थोड़ी स्पीड थोड़ी बढ़ा ली है, 120 पे रख ली है, क्योंकि सारे हमसे आगे निकल गए थे, हमने सियाल जो थाना रेस्ट एरिया, तो इस वजह से हमने वो थोड़ा 5-10 मिनट रुके होंगे हम मैक्सिमम, तो इस वजह से हमने सोचा कि ना थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा लें, तो 120 तो वैसे नॉर्मली कहते हैं, हम आए वैसे नॉर्मली 110 पे थे, तो अब 120 कर लिया है, तो जब भी मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो मुझे कॉल ज़रूर आती है। अच्छा जी, बेरा हम पहुँच चुके हैं, तो अब ये सामने खड़ी है, ये सामने खड़े हुए हैं, इधर से ये सारे अपने लोग खड़े हुए हैं इधर से, तो बेरा पहुँच गया। हाँ जी ठीक ठाक, ठीक ठाक, हाँ जी ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है, और भाई शरोज क्या, तुराब कैसा सफ़र रहा है, सही है, और गर्मी तो नहीं लगी गाड़ी में, गर्मी नहीं, ठीक था मौसम, हाँ ठीक है। ये भी आ गए हैं दूसरी आल्टो वाले, हाँ जी क्या हाल है, पेट्रोल डलवाना है मैंने, चलो सही, इधर ये चाय, इधर ये मैकडॉनल्ड चाय, शुगर फ्री नहीं मिल रही ना चाय, वो शुगर की फ्री पीती है ना, शुगर नहीं यूज़ करती, चलो अब क्या करें फिर, ऐसे ही पीनी पड़ेगी,
से पिला दे थोड़ी सी। नहीं हमें टेस्ट करवा दे तो चलो ठीक है चाय पीते हैं। पी लो पी लो पी लो। अच्छा बाकी सब तो लोग चाय पी रहे थे, मैंने उनसे कहा है कि मैं ज़रा ना गाड़ी में पेट्रोल डलवा लूँ एक तो, और दूसरा एम टैग में ना रिचार्ज भी करवा लूँ। तो रिचार्ज करवाता हूँ, पहले मैं पेट्रोल डलवा लूँ। हाँ पेट्रोल ठीक है, पेट्रोल जो है ना पता नहीं, अब देखते हैं। ये सारे तो कह रहे हैं इतने का डला है इतने का डला है, मेरा पता नहीं कितने का डला है। एक में कह रहे हैं 2500 का डला है, एक का 2400 का डला है, अब मेरा पता नहीं कितना एक रिफिल होता है, ये फाइनल देखते हैं। हेलो हाँ जी भाई क्या हाल है? ठीक हो? फुल कर देना यार, दरवाज़ा ही सही बंद नहीं हुआ बस यार। ये देखो ना, ये ना इसको इधर लगाते हैं ठीक है। ये अब मैंने अब वीडियो में बता दिया है कि ये भेरा के लोग जो है ना सही तरह नहीं लगाते मीटर चेक। कहाँ कौन से वाला? वो वाला। चलो ठीक है जीरो है। अच्छा 278.75 278 सही है। डेली कितनी सेल हो जाती है कोई अंदाज़ा कोई पता है? कितना लीटर जाता है कितना हो गया? 3225 भाई ये 3300 का कर दो ठीक है। मेरा 3300 का डल गया। क्यों? पता नहीं क्यों। मैं तो 130 रखी थी इस वजह से। मैंने 120 नहीं नहीं मैं मेरी ज्यादा स्पीड थी बस। मैं 120 क्या जब है राजा कोई नहीं मैं नहीं मानता भाई इशारों की गाड़ियों में 3000 का पेट्रोल कैसे ऐसे में डल जाना है। खैर चलो ठीक है जितना भी था। चलो अब निकले आ जाओ। किधर बैठना है? हाँ चलो बैठ जाए इधर। कलर कहाँ रुक रहे हैं वहाँ फिर बैठ जाना है उधर इधर। चलो ठीक है विकी तूने किधर बैठना है? चलो आओ फिर बैठो चलें चलो सफ़र की स्टार्ट करें। ओके बस ठीक है प्रोग्राम फिर चेंज हुआ था शायद। मैंने आपको ब्लॉग में बताया कि नहीं बताया कि ग्रुप में मैसेज आया था कि हम लोग जा रहे हैं कलर कार रेस्ट एरिया पर थोड़ा रुकेंगे थोड़ा फोटो सेशन करेंगे वहां पर सारे मिलकर। हाँ जी कलर कार रेस्ट एरिया में एंटर हो गए हैं जी। दिखाएं सामने ज़रा आवाम को, ये है जी रेस्ट एरिया। तो पीछे से भी हमारा इंतज़ार कर रही थी वो भी आ गई है गाड़ी। ये देखें सारा पीछे हमारे मॉल है सारा। ये देखें ये और पीछे देखें मेरे आपके पहाड़ भी नज़र आ रहा होगा। ये पीछे गाड़ियाँ हमने लगा दी ऐसे करके ये देखें। अच्छा जी हम अब इस्लामाबाद मोटरवे पर आ गए हैं इंटरचेंज से एम टैग एक्सप्रेस लेन में से हम एंटर हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो गुड बैलेंस है। क्यों जी फाइनली इस्लामाबाद एंटर हो गए हैं जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है खैरियत से पहुंच गए। उधर ही रख ले कैमरे में शक कोई मसला नहीं। पीछे जाना पड़ेगा क्या हुआ? वो एम टैग उसका बैलेंस है नहीं पर पैसे दे रहा अच्छा बंदे देते जाहिल लोग वो कमी नहीं है। व्लॉग बन रहे हैं ये तो अच्छा हो गया है। हाय हाय ठीक है जाहिल अगले वाले के पास भाई बैलेंस नहीं था भाई इसने तो हमें गुस्सा दिलवा दिया है और मैं अब क्या करूं कि इनकी एक गाड़ी की हरकत की वजह से ना अब कर जाओ। उसकी एक हरकत की वजह से ना हमें
आ गया था फरंकल भी आ गया। ठीक है जी, वो थोड़ा सा हमने सेटिंग चेंज करनी है क्योंकि ये भाई उस गाड़ी में बैठ रहे हैं, कहते हैं कि मैंने उधर बैठना है उधर जाना है, तो इस वजह से ना हम फिर अपनी जो है ना पोजीशनिंग थोड़ी चेंज कर रहे हैं। यार बाबा आ गया, अब मैं उधर जाऊं? ठीक है, नहीं ठीक है, तू बैठा रहे बाबा, फकर को जाने दे यार। अच्छा चलो जी, यहाँ पर फाइनली पहुँच चुके हैं हम, सारी गाड़ियाँ पार्क शार्क हो रही हैं, ये देखें सामने ही। तो मेरी गाड़ी तो लॉक कर दो, घर वाले। अच्छा तो उधर खड़ी करवा सामने, हाँ वो जो ब्लैक गाड़ी खड़ी है ना उसके पीछे, वो साइड पे हो जाए। अभी हमला थोड़ा सा माहौल देखने आया बाहर का। ओए यार यार ये देखो ना, ये क्या चीज़ है, ये यहाँ से मेरा पैर स्लिप हुआ है इस जगह से, पता ही नहीं आया। अच्छा तो अच्छा माहौल देखने आए थे वैसे तो, यार बड़ा ज़बरदस्त माहौल है इधर का, ये देखे क्या बात है, माहौल ही माहौल है। ये अपनी गाड़ियाँ खड़ी हैं जी, एक दो और ये तीसरी भी अपनी है। ये तो मैदी अंकल की नहीं खड़ी है, मैदी अंकल की है। ठीक है तो अच्छा, एक चौथी सिविक जो थी ना वो ज़रा एक काम से चली गई थी, वो अब आ रही है, तो हमने कहा चलो उसको बता भी देते हैं किधर हम खड़े हुए हैं, तो उसको लेके फिर हम वो ऊपर जाएंगे उस वाली जगह पर। ठीक है मोहसिन पहुंच गए, आई मोहसिन पहुंच गया, लोकेशन सही मिल गई थी, चलो ठीक हो गया। सीधी सीधी। हम तेरा उधर F10 में वेट करते रहे, बड़ा टाइम लग जाना था मैंने इसलिए तुम्हें कहा। अच्छा निकल जाओ, चलो जाने आगे फिर इसे बंद कर देते हैं, सब्र कर दो यार, ठहर जाओ। अब यहाँ से जा रहे हैं हम अपने गेस्ट हाउस, और खाना शाना खा लिया, खाने की वीडियो बना नहीं सका क्योंकि थक गए थे हम, बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, रेस्ट किया है वहाँ पर बैठकर, और शाम को अब आएंगे बड़ी ढोलकी, आज बड़ी ढोलकी अटेंड करेंगे, तकरीबन 8-9 बजे अब तैयार होते हैं जाकर गेस्ट हाउस में। और अभी ये सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं, देखिए सामने ये गाड़ी भी खड़ी है, सारे मेहमान वगैरह खड़े हुए हैं, तो ये जैसे हम पहुंच गए, ये गाड़ियाँ आ गई हैं सारी हैं, अभी वो उतर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं सारे, बस चलते हैं। हाँ भाई कैसा सफ़र गुजरा था फिर? बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार वाला है विक्की साहब, बहुत मज़ेदार वाला सफ़र था, सबके साथ मज़ा आया, बहुत शुक्र लगा, मज़ा आया, सबके साथ मज़ा आया, सारे एक साथ थे, सारा शुक्र लगता रहा। वैसे ना वो क्या कहते हैं कि जब हम गैदरिंग का बीच में हम सीटें भी स्विच करते रहे, कोई आगे रहता रहा है, कोई पीछे बैठता रहा है, कोई कहता है कि मैंने इधर बैठना है, अब हम कुछ लोग कहते हैं कि उस गाड़ी से इस गाड़ी में आ गए, अब इस तरह से है कि उधर कुछ लेडीज़ बैठ गई हैं, कुछ इधर हम आ गए हैं, तो ये सीन है। अब जाके वहाँ तैयार होना है और उसके बाद फिर शाम को हम आते हैं इधर ढोलकी पे। लोकेशन हाँ लोकेशन डाल दो, F12 में, सॉरी F12 में जाना है, हाँ E10 से जा रहे हैं तो F12 में, E10 से F12 जाना है। ठीक है क्या कह रहे हैं आर्मी का, क्या नेट में आर्मी का आएगा E10? लोकेशन सेंड किया है जोनी ने, ठीक है। ये देखो ये इधर आर्मी के बने हुए फ्लैट्स वगैरह, किनाल किनाल के फ्लैट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ से आप देखें ये इनके फ्रंट है, तो बहुत ही खूबसूरत है, जबरदस्त बने हुए, सही बात है, याद दिलाओ एक दूसरे को चीजें, हाँ अपनी चीजें खुद ख्याल रखना, ठीक है। तो बस अब चलें, अल्लाह खैर खैरियत से ले जाए हमें, आमीन। चलो हाँ सभी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त लोकेशन है, मैं भी बना रहा हूँ वीडियो, नाम मालूम हाथ में, ये तो गर्म तौल के पट्टे यार, वीडियो बन रही है यार, यार तुम गले तो ना दो, बदतमीज़ हो, लड़कों को बिठाने का ना यही एक है।
अच्छा यहाँ से एंट्रेंस होनी थी है ना जी उस टाइम। चलो ठीक है फुली चार्ज है। अच्छा जी क्या हाल चाल है। अच्छा बताना था कि हमें जगह मिल गई है रहाइश के लिए, गेस्ट हाउस जो है बड़े ज़बरदस्त है। ये देखें ये पूरा एक बेड है, ठीक है, दो साथ में चेयर हैं, साथ में एक टेबल है, ये अलमारी है, ये ड्रेसिंग टेबल है, और ये है जी वाशरूम, वाशरूम वहाँ दो हैं, ठीक है, ये कर्टन से लगे हुए हैं, इतनी डिज़ाइन है, और ये बिल्कुल खाली है, हाँ? और ये तो आपको पता ही होगा कि मैं कौन हूँ सही है नहीं बस ठीक है। हॉल शॉल दिखाना है, ये स्टेज ठीक है, बेहतरीन है। असद आपकी शर्ट तो पहनी नहीं हुई, आप नज़र ऐसे ही आ रहे हो। चलो कोई नहीं, खैर तैयारी जो हो रही है शादी का आज दो लड़की की, ठीक है। तो अभी बस क्या टाइम हो गया बाबा, टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया जी 7:30 हो गए। हमें उन्होंने कहा था कि 8 बजे आपने पहुंचना है, तो बस हम भी बस हम तैयार ही हैं आज, क्योंकि ढोलकी फंक्शन है, कोई इतना यानी कि हमें लश पश होने को नहीं। कल मेहंदी है, कल हम अपनी तैयारी करेंगे सही, ठीक है। इधर माइक की टेस्टिंग चल रही है, वो चेक कर रहे हैं क्योंकि सिंगिंग वगैरह होनी है, तो अभी स्टेज लग चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। अच्छा ये हिरन नस्ल है, असली है, शिकार किए हुए हैं ना। सही आई थिंक तराब है। हाँ ये क्या है, ये असली है ना, नहीं आर्टिफिशियल है, नहीं यार असली है, वही लो आई हुई है। देख रहा हाथ लगा, हाथ लगाई तुम लोग सारे उधर मेहंदी पे इंतजार कर रहे, तुम लोग सारे इधर शुगर लगाने आ गए। ओ सॉरी आज ढोलकी के लिए, ढोलकी के लिए यार सेल्फी ले लो यार, अच्छा लग रहा हूं मैं भी है ना यार, सेल्फी ले लो यार। विकी साहब कैसा लग रहा हूं मैं, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा हूं ना, कैसा लो लो सेल्फी, आ जाओ यार सेल्फी ले, कहां गए सारे, सेल्फी लो जी, सेल्फी लो, आ जाओ सेल्फी लो, आ जाओ आ जाओ, कोई सेल्फी नहीं निकली यार, सामने ले सामने ले जाओ, नहीं मेरा सेल्फी ले लो, चलो चलो पहले तुम लिख लो, सुन बोलो सेल्फी लो, सेल्फी सेल्फी बाकी का है। हां मैं आ रहा हूं, अरे मेरा कैमरा भी आ रहा है, ये देखो कैसा, देख रहा हूँ इधर ही देख रहा हूँ, वो कहाँ है था अच्छा शीशा, अंदर वो देख रहे इधर, ये दो मिनट तक इधर खड़े रहो सारे, चलो लो खड़े रहो खड़े मिरर में इधर सारे आ जाओ, मारो सारे आ गए, मून आ रहे, वाह मून नहीं आ रहा कैसा है, सही इसको कैमरा नजर आ रहे, वो चलो ठीक है, मैं नहीं आ रहा, हम ऐसे ही खड़ा रहे, क्या बन रही है ये बाद में फोटो वगैरह कर लेंगे, तुम लोग आ जाओ यार, क्या कर रहे हो यार, आ जाओ आ जाओ, चलो 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 यार आ जाओ, चलो 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 वेट कर रहे हैं यार सारे, लाइट ही नहीं चल रही, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा मुझे, चलो एक्सप्लोर बढ़ा लेंगे। भाजन ये आज ढोलकी का खाना है, और ये हरी पड़ी है, ये मीठे चावल पड़े हैं, इधर कोला पड़ा है, फिर मीठे चावल है, सारा सेटअप इधर लगा हुआ है, ये है ढोलकी का खाना,
सुन लिया कतरा भी गिना जाएगा शहर की बारी चलो जी लग रहा विक्की नहीं है ये मेरे आने से पहले ही खत्म हो जाए ओ आया भाई आया देखो ये है आधा गिया मैं चेक कर लेकिन एक ही आया मेरी बारी हो गई है हमारी बारी किधर है कोई आगे आगे नहीं है आ रहा है नहीं है आ रहा है हो गया इधर वाले कौन थे बाबू और कक्कू इधर नहीं भाई मेरे लिए आई है भाई आई ये है भाई ये पड़ा है ये पड़ा है लगाना है ठहर जा अच्छा आखिरी कतरा आया ही कोई नहीं है